हेलो एवरीवन। तो आज का जो ब्लॉग जो शुरू होने वाला है वो करीब 1:30 बज रहे होंगे। जस्ट मैंने नहाया है और ये ड्रेस मैंने काफ़ी दिन से नहीं पहना था तो मैंने आज पहन लिया, लेकिन गर्मी है तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छा नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ढीले ढीले कपड़े पहन लो गर्मी में। तो काफ़ी गर्मी है यहाँ, पानी नहीं गिरा और मैं आपको रोज़ रोज़ यही बोलती हूँ पानी नहीं गिरा, तो आप भी बोर हो जाएंगे क्या करें। मतलब ये गर्मी मुँह से निकलवाई देती है कि पानी यहाँ नहीं गिर रहा है, इसलिए इसके लिए आप लोगों को सॉरी अगर आप लोग बोर हो गए हो पानी नहीं गिरा सुन के। तो चलिए फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज वैसे कहीं जाने का प्रोग्राम तो है नहीं, कल रानू आया था, फिर उसके बाद हमें 11:30 बज गए थे, वो रात को गए थे। तो फिर उसके बाद सुबह मैंने ब्लॉगिंग जल्दी स्टार्ट नहीं की, लेट उठी थी मैं सो के, तो ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो चलिए फिर ब्लॉग पर बने रहें, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें अपना, प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें कुकिंग विथ वंदना विलियम को। और गाइस आप मुझे एक ही जगह बैठ के ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते देखते होंगे, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाके मतलब जगह बदल के किया जाए ब्लॉग को स्टार्ट, आपके लिए आपको भी नया नया कुछ दिखने मिले। बट हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है और हम किराए से रहते हैं, तो मतलब आप समझ सकते हैं, तो मुझे एक ही जगह से ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। और ज़्यादा ऐसा कुछ बाहर कुछ है भी नहीं कि मैं बाहर जाके ब्लॉगिंग करूं, तो इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि आपको अगर एक ही लोकेशन देखने को मिले तो उसके लिए आप एडजस्ट करिएगा। बाकी मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कुछ अलग अलग करने की कोशिश करूं, बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि कमरा एक ही है, इसलिए किचन वगैरह या बाहर तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर वो अभी शायद कुछ चल रहा है तो वो स्पीकर वगैरह लगे होते हैं तो आवाज़ बहुत आती है, इसलिए बाहर मैं जाके वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो देखते हैं जैसा भी होगा आगे, अगर मुझे मैं कहीं जाऊंगी या जो भी है। और दरअसल मैंने अभी खाना नहीं खाया है गाइस, मुझे लग रही है बहुत तेज की भूख, तो पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूंगी। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, आज भी अगेन दाल चावल और सैलेड वगैरह मैं काट लूँगी, पापड़ वगैरह मैं आज तल लूँगी, बस यही खाना है। और वही दाल चावल रोज़ रोज़ आपको क्या दिखाना, इसलिए आज मैंने सूट भी नहीं किया। तो चलिए गाइस पहले मैं खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब तक बने रहे वीडियो में, चाहिएगा नहीं। हे गाइस, मैं दिन में सो गई थी खाना खाने के बाद और ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, तो मैं अब शाम को मतलब रात ही हो रही है तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। दरअसल मेरे बाल वालों में चेहरे पे नहीं जाइएगा, मैंने कोई अभी सो के उठ के कोई फेस से पानी नहीं मारा, क्योंकि जब सो गए ना तो उसके बाद अभी मेरे को इतनी तेज़ वाली आलस आ रही है ना, मतलब इतनी वाली आलस आ रही है। और 8 बज रहा, अभी आने वाला है मिक्का दी वट्टी, तो वो मैं देखूँगी उसके बाद। वैसे मेरा फेवरेट है नहीं, मेरा फेवरेट है बिग बॉस, और उसका मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ कि अब बिग बॉस कब स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है, तो अभी मेरा टाइम पास नहीं होता है तो मैं मिक्का की वट्टी यार क्या बोलते हैं, तो वो देखूंगी। और अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भयंकर, मैं गलत टाइम पे सो गई ना तो मुझे आलस आ रही है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं खाना बनाने का। तो मैंने बाहर से मंगाया है मटन करी, मटन भुना गोश्त वो मंगाया है, तो मैं वो जब आएगा उसकी वीडियो आपको बताऊंगी कि बाहर का मैंने मंगाया तो कैसा आया है। तो सिर्फ मैं अभी राइस बनाऊंगी, रोटी भी नहीं बना रही, मैं राइस बनाऊंगी बस, वो भी 9 बजे जब मिक्का दी वट्टी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपना राइस बनाऊंगी। और सब्जी वगैरह आई है तो वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, आधी सब्जी तो मैंने जमा दिया है लेकिन जो भी है, और मैं तोड़ के रख लेती हूँ रात को ही, ताकि सुबह मैं लेट उठती हूँ ना तो उसका फ़ायदा होता है, टूटा फूटा जो सब्जी रह मतलब
सब्जी को अपन काट पीट के रख लेते हैं ना, तो सुबह फ़ायदा होता है, फटाक से वो बन जाता है, इसलिए मैं अभी तैयारी करके रख लेती हूँ। ऐसी कोई जल्दी रहती नहीं मुझे सुबह, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ, मेरी मेरी मम्मी करती थी तो वो आदत है मेरे अंदर भी, देख देख के वो कहते हैं ना सीखते हैं बच्चे, मैंने भी सीखा है, तो इसलिए मैं अभी सब्जी वगैरह आपको दिखाऊंगी क्या आया है। तो फिर चलिए फिर वीडियो पे बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है गाइस, जाइएगा नहीं। सो गाइस मिक्का दी वोटी चालू हो चुका है गाइस, तो आप बताइएगा इनमें से मिक्का दी वोटी कौन बनेगी। मुझे तो लग रहा है कि वो नीत बनेगी, तो आप भी बताइएगा, मुझे ऐसा ऐसी गट फीलिंग है कि नीत बनेगी मिक्का दी वोटी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मैं देख लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस सब्जी में आया है अदरक, मंगाया था मैंने, हरा धनिया और ये गवार फली, और ना मैंने प्याज भी मंगाया था, ये प्याज, और यहाँ पे ये लहसुन, ये लहसुन मैंने ज़्यादा जमा लिया, और ये ना नारियल है जो कि ना मेरे को खाने का बड़ा शौक़ है, ये पानी वाला नारियल अभी इस मौसम में बहुत अच्छा आता है, तो ये मैं खाऊंगी। और ये सब ये गवार फली को अभी मेरे को तोड़ना है, और ये हमारी गैस पता नहीं कब ऊपर जाएगी रखने। और अभी किचन में मेरे कुछ भी नहीं बन रहा है, ये मेरे दिन का ही खाना रखा हुआ है, और अभी मैंने किचन में कुछ भी नहीं बनाया गाइस। तो गाइस आपने देखा ना कि अभी मेरा कुछ भी खाना वगैरह नहीं बना, अभी यहाँ ये दिन का खाना रखा है, ये दिन का है, और यहाँ पे मेरी सब्जी रखी है ये, जो कि मेरे को तोड़ना है सब्जी को, और मेरी गैस यहाँ पर पड़ी। सो गाइस जब मैं काम करूँगी ना तब आपको बताऊँगी, समझे ना गाइस। और मैंने ना मुझे लग रहा कि मेरा फेस काफ़ी ड्राई ड्राई, मैंने ना ये हमारे यहाँ केरला स्टोर है, तो ये केरला स्टोर से मुझे चंदन पाउडर मैंने लेके आया था, चंदन पाउडर है ये, मैं इसको लगाऊंगी शहद के साथ चंदन पाउडर को, तो क्योंकि मेरे को ना अभी ये मौसम में ना ये देखिए कितने दाने, मेरी चेहरे पे कोई भी क्रीम पाउडर मेकअप नहीं, आप देख सकते कितने दाने हो रहे हैं, तो और मैंने गाउन पहना हुआ है क्योंकि घर में इससे कंफर्टेबल और कुछ नहीं हो सकता। और ये चंदन पाउडर जब मैं लगाऊंगी ना, कैसे लगाऊंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी फर्स्ट बार ही लगाऊंगी, अभी खुला भी नहीं है, भर है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, तो अभी मैं इसको लगाऊंगी चंदन पाउडर को। तो चलिए फिर अभी मैं उठ के मैं ना ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ऐड आया है, ऐड आया है, इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ अभी। अब घर में अकेली हूँ ना मैं, इसराइल तो क्या है, मटन लेने, मटन की करी लेने। तो गाइस मैंने ना पंखा बंद किया, और पंखा बंद करने के बाद ना मुझे ना ठंडी, हल्की ठंडी लग रही इस मौसम में, तो मुझे कहीं डर लग रहा, मेरी तबीयत तक खराब हो जाए, क्योंकि मेरा शरीर में सो क्यों ना, मैं अभी पंखा बंद कर दिया, मैं ठंडी सी लग रही थी मेरे को, मुझे लग रहा है मेरे को बुखार, मेरे को बुखार चढ़ता था, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे वो लेटे लेटे रहना अच्छा नहीं लगता गाइस, क्योंकि मेरी जो मेरा नेचर है ना वो मतलब ऐसा है चुलबुला टाइप का, मतलब चलते फिरते रहना, पकड़ पकड़ करती रहती हूँ, और मतलब बातें करना ये मेरा नेचर है, तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बुखार, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, और उससे ज़्यादा बीमार पड़ना मुझे नहीं पसंद, तो मुझे ना अभी ठंडी सी लग रही है, मतलब ठंड सी लग रही है, वो मैंने पंखा बंद करके बैठी हूँ, तो मेरे को गर्मी नहीं लगी, हल्की सी ठंडी मतलब एकदम होता है ना वैसा सा लग रहा है। तो चलिए फिर वीडियो पे बने रहे। सो गाइस यहाँ पे हमारी मटन करी आ गई थी, फिर ये देखिए कैसी लग रही है बाहर की, तो चलिए फिर हम खा लेते हैं, फिर हम इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं, एंड जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।